खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्टर स्ट्रोक। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकर। वैसे तो मैं कुंभ नगरी प्रयागराज में हूं, जहां सिर्फ प्रभु राम की चर्चा हो रही है, लेकिन आज इस देश में राम से ज्यादा चर्चा मोदी की हुई, क्योंकि मोदी ने चुनाव से पहले खेल दिया है एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक। सरकार में मौजूद लोग तो ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक है, क्योंकि ये एक ऐसी स्ट्राइक है जिसके बारे में विपक्ष ने कल्पना भी नहीं की थी। चर्चा सिर्फ मोदी और मोदी के बजट की हो रही है। आप सोशल मीडिया पर देखिए, कैबिनेट मंत्री सरकार के एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मोदी का जिक्र करके आम लोग उन्हें थैंक यू कह रहे हैं। हम आज इस बजट के मास्टर स्ट्रोक का विश्लेषण करें, उससे पहले मैं नेहा पंत का रुख करना चाहूंगी, जो आज बजट की 10 बहुत मुख्य बिंदुओं को आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया आपका रूबिका। बजट की बड़ी बातों पर आइए नजर डालते हैं। अंतरिम बजट, जिसे 2019 का बजट माना जा रहा है, आपके लिए बजट में क्या निकल कर आया? बजट की 10 बड़ी बातों में पहली बड़ी बात यह कि 5 लाख तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स स्लैब में हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। FD के 40,000 ब्याज पर TDS नहीं लगेगा और छोटे किसानों को 6,000 सालाना की रकम सीधे उनके बैंक अकाउंट में दी जाएगी। इसके अलावा बजट का पिटारा खुला तो और भी कई घोषणाएं सामने आई, जिनमें 10 करोड़ मजदूरों को 3,000 पेंशन, अपने आप में अहम है, जिनका PF कटता है उनको 6 लाख का बीमा, पशु मछली पालक को ब्याज में छूट का फैसला सरकार ने किया, हरियाणा में 22वां एम्स खुलेगा और रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा का मोदी सरकार ने कर दिया है। तो इस तरह से इस अंतरिम बजट को आने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं, हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। चलते हैं रूबिका के पास। कहा तो ये जा रहा है कि मोदी सरकार ने आज जो बजट पेश किया है, उस बजट की वजह से सरकार का सत्ता में वापस आना तय है, क्योंकि इस बजट में देश ने वो पाया जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि देश को तो मोदी सरकार की तरफ से लिए गए सख्त फैसलों की आदत हो गई थी, लेकिन उन्हीं सख्त फैसलों का या सख्ती का चोला मोदी सरकार ने उतारा और फिर जनता पर मेहरबान हो गई। किसान हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, महिलाएं हो, उन पर दिल खोलकर पैसों की बारिश की है। विपक्ष हमलावर जरूर है, लेकिन सरकार के तमाम ये मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारा अब सत्ता में दोबारा आना तय है, हम जीतेंगे, और इस जीत की जो स्क्रिप्ट है वो मोदी ने तैयार की। ये पटकथा, ये स्क्रिप्ट लिखी कैसे गई, इसके पीछे क्या कुछ मंथन हुआ, अब आपको मास्टर स्ट्रोक में वो देखना चाहिए। 12 करोड़ किसान, 10 करोड़ मजदूर, उज्ज्वला योजना का फायदा पाने वाले 8 करोड़ गरीब और 3 करोड़ मिडिल क्लास, ये है मोदीनॉमिक्स का अंक गणित। एक झटके में करीब 35 करोड़ की आबादी के लिए बड़ी घोषणाएं कर पीएम मोदी ने फिर ये साबित कर दिया कि चुनावी बिसात पर उनके मुकाबले कोई नहीं है। मोदी के ये नारे आपने पहले भी कई बार सुने होंगे, लेकिन आज संसद भी इन नारों से गूंज उठी। संसद में ये माहौल क्यों बना, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए और सुनिए संसद भवन से बाहर
देश के चौक चौराहों पर लोगों ने मोदी सरकार के इस आखिरी बजट पर क्या क्या कहा। तो हमें कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता, ये पहला बजट है जिसमें कुछ हमें ध्यान रखा गया। चार पाँच सालों से सोच रहे थे कि कब आएगा, लेकिन अंत में ये 5 लाख की सीमा कर दी गई, इससे बहुत खुशी का वातावरण है और व्यापारी वर्ग इसको राहत महसूस कर रहा है। जो कुछ मिले वही सही है, जैसे जहाँ कुछ नहीं मिल रहा है कोनो सरकार से, ये इतनी बहुत है। हम इस चीज़ से बहुत संतुष्ट हैं कि टैक्स पेयर को राहत मिली है, 2.5 लाख से बढ़ा के बजट को बढ़ा दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को टैक्स में काफ़ी छूट मिलेगी। एक वेलकम बजट है, उसके लिए बहुत मोदी सरकार को बधाई। ये पहला बजट है जिसमें कहीं पर भी कोई भी टैक्स कोई भी ड्यूटी बढ़ा नहीं है। वास्तव में आम आदमी है इंडिया में, इस बजट में उसको हीरो बनाया गया है। पहले की सरकारों ने और इसमें भी राजकोष का ध्यान रखा जाता था, पहली बार ऐसा हुआ कि प्रजाकोष का ध्यान रखा गया है। ये बजट सरकारी कर्मचारी तो बहुत अच्छा है, बाकी बुजुर्गों के लिए भी अच्छा किया है इन्होंने, तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मिडिल क्लास के लिए तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा किसानों के लिए सबसे अच्छा है, कम से कम उनको खाद बीज इसका सहूलियत मिल जाएगी। चुनावी साल में अगर सरकार के बजट से इतने चेहरे खिल जाएं तो समझ लीजिए इशारा क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी इतने लोकप्रिय हैं और जनता के इस मतलब उनको सहयोग मिल रहा है कि 400 तो हमको बिल्कुल अवश्य लगता है अब इस बजट के द्वारा हम लोग पार कर पाएंगे। हमने कहा ये बजट ही नहीं सर्जिकल स्ट्राइक है, और ये कोई किसी को उम्मीद नहीं थी कि, और अपोजिशन बिल्कुल चित है। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, हाउ द जोश? हाई सर, वेरी वेरी हाई जोश था उस हॉल के अंदर। अंतरिम बजट को विपक्ष पर सर्जिकल स्ट्राइक बताने वाली बीजेपी का जोश हाई है। जैसे संसद के अंदर तालियों की गूंज और मोदी मोदी के नारे लगे, वैसे ही संसद के बाहर बीजेपी का हर नेता बम बम नजर आया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बजट के लिए अरुण जेटली से लेकर पीयूष गोयल तक सबकी पीठ ठोकी। ये बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा, श्रमिकों को सम्मान देगा, मिडिल क्लास के सपनों को साकार करेगा, ट्रेडर्स को सशक्त करेगा। ये बजट न्यू इंडिया के लक्ष्यों की प्राप्ति में देश के 130 करोड़ लोगों को नई ऊर्जा देगा। ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी है। मैं एक बार फिर हमारे मित्र अरुण जी को और पीयूष जी को और उनकी टीम को इस उत्तम बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो अब आपको एक बार फिर ले चलते हैं संसद के अंदर, जहां पीयूष गोयल ने वो बजट पेश किया जिसने पूरे विपक्ष को क्लीन बोल्ड कर दिया। किसी मैच की तरह पीयूष गोयल ने बेहद सधे हुए अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत की। टीम के कप्तान की तरह प्रधानमंत्री मोदी हर घोषणा पर हौसला अफजाई करते नजर आए। करीब 20 मिनट के भाषण के बाद पीयूष गोयल ने अपना पहला बड़ा शॉट खेला। छोटे और सीमांत जो किसान हैं, उनको एक प्रकार से उनकी आय में और तेज गति से बढ़े और एक समर्थन देने के हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की। पीएम किसान इस योजना के तहत जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। किसानों के लिए गोयल के इस ऐलान के साथ ही संसद में तालियों का शोर गूंज उठा। 12 करोड़ किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने वाली ये योजना चुनाव में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री जो इस टाइप से कदम उठाए हैं बहुत सराहनीय है, इससे किसान को बहुत बेनिफिट मिलेगा, प्लस ये साल दर साल हर साल मिलेगा, तो बहुत खुशी की बात। किसान कहीं ना कहीं से अपेक्षित रहते थे
लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी सरकार को, मोदी जी को और उनके समस्त मंत्रिमंडल को, जिन्होंने किसानों के बारे में सोचा। आज किसान की स्थिति 6000 रुपये नहीं है, ये 6000 रुपये नहीं है, उस वहाँ के जो किसान हैं उसके बच्चों की पढ़ाई की फीस, उसके बच्चों की सुविधा के लिए जो दी जा रही है 6000 रुपया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक जमीन वाले किसानों को फायदा मिलेगा। हर साल 6000 रुपए सीधे किसानों के खाते में डाले जाएंगे। योजना को 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया है, यानी चुनाव से पहले 2000 रुपए की पहली किश्त किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। हमारी सरकार किसानों के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठा रही है। हमारा ये पूरा प्रयास है कि किसान को सशक्त करके उसे वो साधन दें, संसाधन दें, जिससे वो अपनी आय दोगुनी कर सके। आज के निर्णयों से इस मिशन को और तेजी मिलेगी। 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो और किसान को आप 17 रुपए देते हो, दिन के 17 रुपए, अपमान नहीं है तो क्या है? किसानों पर मेहरबान मोदी सरकार ने पशुपालन और मछली पालन में लगे किसानों को भी राहत दी। इन किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज लेने पर ब्याज में 2% की छूट मिलेगी। आपदा प्रभावित किसानों को भी ब्याज में 5% तक की छूट मिलेगी। किसानों के बाद बजट में दूसरा बड़ा ऐलान असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के लिए हुआ। मोदी सरकार ने पहली बार देश में मजदूरों के लिए एक व्यवस्थित पेंशन योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 15000 तक कमाने वाले मजदूरों कर्मचारियों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 की पेंशन दी जाएगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, जिसमें घर काम करने वाले लोग हों या खेतहर मजदूर हो या ठेले चलाने वाले लोग हो, ऐसे समाज का एक बहुत बड़ा तबका है। इन मेरे बंधुओं की चिंता कभी नहीं की गई, उन्हें उनके नसीब पर छोड़ दिया गया। हमारे देश में इनकी संख्या अनऑर्गेनाइज लेबर की संख्या करीब करीब 40-42 करोड़ है। उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना उनके जीवन के उत्तरार्ध, 60 वर्ष की आयु के बाद की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा संबल होगी। पीयूष गोयल ने अपने बजट भाषण को सिर्फ आंकड़ों और योजनाओं के ऐलान तक सीमित नहीं रखा। चुनाव को ध्यान में रखते हुए वो हर उस मुद्दे पर भी बात कर रहे थे जिसे लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठते हैं, जैसे कि बेरोजगारी। पूरी दुनिया में स्वयं रोजगार की कल्पना अब बदल रही है और रोजगार की भी कल्पना बदल रही है। अब सिर्फ सरकारी नौकरियां और कारखाने में ही रोजगार उत्पन्न नहीं होता है, जॉब सीकर आज जॉब क्रिएटर बन गया है। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत में एविएशन इंडस्ट्री से लेकर मोबाइल इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा हुई हैं। उन्होंने फिल्म उद्योग को भी नौकरियों का बड़ा जरिया बताया। सबको पिक्चर बॉलीवुड का भी शौक रहता है, पिक्चरें भी देखते हैं और ये इतने बड़े रूप में रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। भारत में अन्य अन्य क्षेत्रों में फिल्म बनाने का काम बहुत बड़े गति से चल रहा है, तो उन सबको रोजगार मिलेगा, चाहे वो तेलुगु में। इसी दौरान उनके बगल में बैठे लाल कृष्ण आडवाणी ने उन्हें फिल्म उरी का जिक्र करने के लिए कहा और इसके साथ ही एक बार फिर एनडीए सांसदों का जोश हाई हो गया। बने अभी अभी हाल में आप सबने शायद देखी हो, मेरे को तो उरी पिक्चर देखने का सौभाग्य मिला। जो मजा आया, जो जोश था उस हॉल के अंदर, इस वक्त तक बजट भाषण को शुरू हुए करीब 1 घंटा बीत चुका था लेकिन इनकम टैक्स का कोई जिक्र नहीं हुआ था। ऐसा लगने लगा कि सरकार इस बार भी मिडिल क्लास और टैक्स पेयर के लिए किसी राहत का ऐलान नहीं करने वाली।
लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर मोदी सरकार ने स्लॉग ओवर्स यानी आखिरी पलों में छक्के मारने शुरू कर दिए। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैविंग टैक्सेबल एनुअल इनकम अप टू रुपीज 5 लाख विल गेट फुल टैक्स रिबेट। इस ऐलान के साथ ही संसद में वो हुआ जो अब तक नहीं हुआ था। बजट भाषण के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे खत्म हुए और पीयूष गोयल फिर शुरू हो गए। स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 करने का ऐलान किया। बैंक पोस्ट ऑफिस में जमा रकम पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की छूट 10,000 से बढ़ाकर 40,000 कर दी। किराए से होने वाली 2,40,000 तक की आमदनी को टीडीएस से मुक्त कर दिया। हालांकि इन तमाम घोषणाओं में सबसे ज्यादा चर्चा 5 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने के ऐलान की ही हुई। प्राइवेट जॉब सेक्टर वाले के लिए बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि मिडिल क्लास वाले के लिए बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि अगर 2.5 लाख पे अगर इनकम टैक्स जाता था, टैक्स पे करना पड़ता था, यहाँ पे 5 लाख हो गया है ना, तो थोड़ा सेविंग ज्यादा हो जाएगा, ये महंगाई में वो काम करेगा। हम लोग तो बहुत अच्छा, हम तो कारोबारी है, बिजनेसमैन है, इसमें हम लोग को छूट मिलेगी। इसमें तो ये नरेंद्र मोदी सरकार तो बहुत अच्छा ही कर रही है इसमें, और आगे भी उम्मीद है कि अच्छा ही करेंगे इसमें। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बच्चे लोग भी बहुत खुश होंगे, सब बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छा कदम है। मिडिल क्लास के लिए बहुत बढ़िया कदम है, क्योंकि उनके पास 2.5 लाख की इनकम थी, अब 5 लाख इनकम है, तो एक अच्छा कदम है। और ये अपना जो बेसिकली एनुअल खर्चे हैं वो उसको रोटेट कर सकते हैं। इसका इंतजार तो हम लोग काफ़ी समय से कर रहे थे, अभी ये हुआ है तो इसका तो पूरे जोर शोर से हम लोग स्वागत करेंगे। स्पेशली ये तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे जो पेंशनर्स हैं उनकी काफ़ी सारी इनकम जो है ऐसी टैक्स में चली जाती थी, अब उनको ये ज़्यादा बेनिफिट मिले। यहाँ ये समझना जरूरी है कि सरकार के इस ऐलान का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक होगी। 5 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम होने पर कोई राहत नहीं मिलेगी। मैं देश के मिडिल क्लास, सैलरीड मिडिल क्लास को इनकम टैक्स दरों में मिली छूट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बरसों से ये मांग रही है कि 5 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त घोषित किया जाए। इतने वर्षों से की जा रही इस मांग को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 2014 के चुनाव में बीजेपी को मिडिल क्लास के 32% वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद से सरकार की तरफ से इस वर्ग के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ था। अब मोदी सरकार ने चुनाव से पहले ऐसा चौका मारा जो आने वाले वक्त में विनिंग शॉट साबित हो सकता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।